एड़समेट्टा में 8 आदिवासियों को मारा गया, वहाँ न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि मारे गए लोग निर्दोष थे। सोनी सोरी को माओवादी कह के जेल में डाला गया, हमने कहा निर्दोष है, उस पर 7 मुकदमे बनाए गए, 7 मुकदमों में बरी हुई है। हमारा कौन सा मुकदमा आज तक झूठा साबित हुआ है, कौन सा आरोप झूठा साबित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ये बता दे। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है मुकदमा झूठा है बिना जांच कराए? जजेस जो हैं वो अदालत नहीं होते हैं, जजेस व्यक्ति हैं, वो लालच में भी आ सकते हैं, डर भी सकते हैं कि मैं इस गलत फैसले को नहीं मानूंगा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मैं जेल जाऊंगा। न्याय मांगने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना लगाती है, उन्हें जेल भेजती है, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और अगर अदालत नाइंसाफी करेगी तो अदालत की इज्जत ख़त्म हो जाएगी। ये जज कर रहे हैं अदालत की अवमानना, हम नहीं कर रहे हैं। जेल में डाल देंगे, मार देंगे, ये कोई डरने का कारण नहीं होता है। मरना, जेल में जाना, ये तो हमने गांधी जी से सीखा है कि ना मरने से डरो ना जेल जाने से डरो। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था आदिवासियों के नरसंहार को लेकर, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की के लिए याचिका दायर की गई थी हिमांशु कुमार द्वारा जी हमारे साथ, वही है सर, क्या लगता है? पहले तो आपने बकौल सुप्रीम कोर्ट झूठी याचिका दायर की और अब आप कह रहे हैं कि मैं फाइन नहीं दूंगा। भाई सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता ये याचिका झूठी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जाँच कराई है? बिना जांच के सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है याचिका झूठी है? और हमने तो कोई ये पहली याचिका थोड़ी है, हमने सुकमा जिले में ही 19 आदिवासी मारे गए सिंगारम गांव में, वो याचिका हाई कोर्ट में दायर करी, उसमें NHRC की रिपोर्ट आई है कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, हमको सही साबित करा गया है। सरकेगुड़ा में 17 आदिवासियों का कत्ल हुआ, न्यायिक हम लोगों ने आवाज़ उठाई, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि मारे गए लोग निर्दोष थे। एड़समेट्टा में 8 आदिवासियों को मारा गया, वहाँ न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि मारे गए लोग निर्दोष थे। सोनी सोरी को माओवादी कह के जेल में डाला गया, हमने कहा निर्दोष है, मेरी स्टूडेंट रही है वो, उस पर 7 मुकदमे बनाए गए, 7 मुकदमों में बरी हुई है। हमारा कौन सा मुकदमा आज तक झूठा साबित हुआ है, कौन सा आरोप झूठा साबित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ये बता दे। हमने आज तक कब झूठ बोला है? हमारे सारे केसेस सही सच्चे साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है मुकदमा झूठा है बिना जांच कराए? क्या लगता है सर, जो जजेस हैं अदालत की तरफ से इस तरीके के फैसले आ रहे हैं, क्या डर है, कोई लालच है या सरकार के प्रति वैचारिक सहमति? सभी कुछ है। देखिए जजेस जो हैं वो अदालत नहीं होते हैं, जजेस व्यक्ति हैं, वो लालच में भी आ सकते हैं, डर भी सकते हैं। अदालत बड़ी चीज़ है, न्यायपालिका बड़ी चीज़ है, न्यायपालिका जनता की संपत्ति है, न्यायपालिका को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर जज गलत फैसला देते हैं तो उसकी मुखालफत करना और उसको डिफाई करना ये हर जागरूक और इंसाफ पसंद नागरिक का फ़र्ज़ है। इसलिए मैंने कहा है कि मैं इस गलत फैसले को नहीं मानूंगा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि ये फैसला अदालत की अवमानना है, अदालत की बेइज्जती है। ये फैसला अदालत का काम है लोगों को इंसाफ देना, अगर अदालत लोगों को नाइंसाफी करती है उनके साथ, उनके लिए न्याय मांगने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना लगाती है, उन्हें जेल भेजती है, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और अगर अदालत नाइंसाफी करेगी तो अदालत की इज्जत ख़त्म हो जाएगी। ये जज कर रहे हैं अदालत की अवमानना, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अदालत की इज्जत बचा रहे हैं, हम कह रहे हैं न्याय करो भैया, अपनी इज्जत बचाओ। सर आपने अभी PC में जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदिवासी इलाकों में भेजा था उनसे बातचीत करने के लिए, तो अब ऐसी क्या वजह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ही आपको कह रहा है कि आप झूठे हैं? अब ये तो आप सब समझ सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है, मैं तो नालसा का मेंबर था, नालसा ने हमसे कहा था कि आदिवासियों को न्याय प्राप्ति के लिए आप अदालत लेकर आइए, हम तो वही काम कर रहे थे। और 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिमांशु नक्सल सिंपेथाइज़र है, तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, खबरदार हिमांशु कुमार को नक्सल सिंपेथाइज़र कहा। 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करी कि हिमांशु कुमार और सोनी सोरी पर जुर्माना लगाओ, ये फर्जी मामले बनाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। अब 2022 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, तो अब अदालत
कैसे मान रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात बिना जांच किए? इस मामले में कौन सी जांच हुई है जो सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला झूठा है? क्या सर, जो जिस मामले को लेकर आपने याचिका दायर की है, जो पीड़ित परिवार है उनका क्या कहना है कि किस तरीके से, मतलब उनके साथ जो नरसंहार किया गया, क्या आपने उस टाइम पे वहाँ जाके देखा था या परिवार वालों से बात की, कैसे हालात? देखिए, हम तो आदिवासियों से के गांव में जा करके हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की, उनसे पूरे गांव से बात की, उसके बाद उनको दिल्ली लेकर आए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने पूरी मीडिया को अपनी सारी बात बताई, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़े बड़े सोशल मीडिया अपना सिविल सोसाइटी के लोग थे, प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय, मेधा, ये नंदिनी सुंदर वगैरह सब थे, उनके सामने बताया, उसमें सारी मीडिया थी, उसके बाद फिर पिटीशन फाइल हुई है। तो ये कोई दबी छिपी घटना थोड़ी है, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल घटना है, सब जानते हैं इसके बारे में। क्या लगता है सर, जैसे अभी तीस्ता जी के साथ उनको जेल में डाल दिया गया, अनिल तेलतुंबड़े थे, प्रोफेसर हनी बाबू थे, उमर खालिद है, इन सबको जो भी ऐसी आवाज़ है जो उठती है, रेजिस्टेंस करती है, उसको सबको किसी ना किसी तरीके से या तो उनको मार दिया जा रहा है या जेलों में डाल दिया जा रहा है, तो ये ऐसे हालात होने के बावजूद भी आपको डर नहीं लगता? देखिए, किस बात के लिए डर आ जाए कि जेल में डाल देंगे, मार देंगे, ये कोई डरने का कारण नहीं होता है। मरना, जेल में जाना, ये तो हमने गांधी जी से सीखा है कि ना मरने से डरो ना जेल जाने से डरो। जेल जाना तो शान की बात है, खुशी की बात है कि हम जनता के लिए, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए जेल जा रहे हैं, हम तो गाते गाते हंसते जेल जाना कोई शर्म की बात थोड़ी है। अभी क्या आपका एक्शन ऑफ प्लान होगा, जिस तरीके से जुर्माने की बात कही गई है, अगर 4 हफ्ते बाद आप जुर्माना नहीं देते फिर क्या करेंगे? जेल जाएंगे बस। इसके अलावा जो जनता में रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी जी, रिव्यू पिटीशन डालेंगे, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देता है, अपनी गलती सुधार लेता है तो बहुत अच्छा है, हम उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। कोई आंदोलन टाइप कुछ ऐसा? अब ये तो जनता तय करेगी आंदोलन वगैरह। तो थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिमांशु कुमार जी, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, प्रेस क्लब दिल्ली।